मैंने अपने इंस्टाग्राम वाले ऑडियंस को कहा था कि भाई मेरे को ना थोड़े से बताओ आइडियाज़ वगैरह कि क्या क्या मैं बनाऊँ वीडियोज़ मस्टैंग पे। उसके बाद में यू गाइस वॉन्ट इवन बिलीव क्या क्या कमेंट्स आए हैं। वैसे कोई कोई लोग कैस घर भी लेंगे भाई मस्टैंग को पकड़वा दो पुलिस से। भाई मैं पुलिस वाले को आगे थोड़ी बोलूंगा मस्टैंग को रोक लो सर मेरे को वीडियो बनानी है, ऐसा थोड़ी होता है। जब वो पकड़ते तो भाई वो बात अलग है जब कंटेंट बन जाता है, बट ऐसा थोड़ी कि सर प्लीज़ रोक दो मैं अभी आऊँगा ना तो वीडियो बनवा देना, ऐसे नहीं होता। और दूसरा कंटेंट भाई 10 रुपये का पेट्रोल भरवा लो भाई, वो बहुत पुराना हो गया, अब भरवाएंगे 11 या 12 रुपये का। जोक्स अपार्ट बाय द वे वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक है। तो भाई कैसे हो आप लोग, होप यू ऑल आर गुड। तो अपना जो आज का व्लॉग है वो होने वाला है मस्टैंग के पब्लिक रिएक्शंस के बारे में। तो जाके देखते हैं भाई, जो लैम्बो के आए थे ना वो तो बहुत ज़्यादा क्रेजी आए थे, तो हम जाने वाले हैं सेम मार्केट में उसी में जहाँ पे आए थे लैम्बो के रिएक्शंस, और अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। अभी मैंने ये अपना पूरा चेंज करा है बेडशीट, मतलब नीचे की जो शीट है पहले मैंने वो चेंज करी है, फिर मैंने ये चेंज करी है। अब पिलो कवर बोल दूंगा मम्मा को, बिकॉज भाई ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अनोइंग पिलो कवर चेंज करना। मुझे ना यार ये दिखाना थोड़े दिन पहले मार्केट में, इसलिए मैं खरीद के ले आया था कि ये पीऊँगा। पता नहीं क्या चीज़ है, अगर किसी को भाई ये लैंग्वेज आती है, आई थिंक ये कोरियन है, तो मेरे को बताना कमेंट्स में ये क्या चीज़ है, बिकॉज मेरे को तो समझ आ नहीं रहा। ये तो समझ आ रहा है कि ये कोकोनट वाटर है कोको पाम के नाम से, और एक और चीज़ लाया था ये है माइल्ड कॉफ़ी। चलो ये तो कॉफ़ी है, ये तो कॉफ़ी है, ये अपने आप ही काम आ जाएगी। और ये मेरे को बताना ये क्या चीज़ है, ये 200 ml लिखा है इस पर कुछ ओरिजिनल, आई थिंक ये मिल्क है या कुछ ड्रिंक है, अगर किसी को पता है तो बताना कमेंट्स में। अभी मस्टैंग रेडी हो रही है, बिकॉज भाई मस्टैंग में जो टायर की हवा है ना, हम चारों चेक करते हैं हर 3-4 दिनों में कि अंकल जी गाड़ी में टायर जरा से भी हवा कम हो जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। सही बात है, अभी हवा चारों को चेक कर रहे हैं। भैया के ना घर पे कोई आर्टिकल वाले आए थे थोड़े दिन पहले, अखबार वाले न्यूज़ वाले आए थे ना, तो क्या हुई थी बताओ जरा पूरी बात। मैं होता कि भाई कल ब्लॉग में रिकॉर्ड करूंगा, बताओ जरा क्या हुआ था एक बार। भैया एक चीज़ बताने लायक नहीं है। नहीं एक बार फिर भी थोड़ा सा बताओ ना, अंकल मतलब मजाकिया बात है कि थोड़ी गंभीर बात है, बताओ ना मेरे को जरा, बिकॉज मेरे को समझना है। नहीं कोई ऐसी गंभीर वाली बात नहीं है, एक अच्छी और खुशखबरी की बात है, लेकिन वो सबके सामने जो कोई ओपन नहीं कर रही बात सच है कि आपके घर पे अखबार वाले आए थे ना। वो तो हो गया। लेकिन भाई जो बात अंकल मैं पता लग चुकी है, लेकिन वो कैमरे पे नहीं बता सकते ना। हाँ, लेकिन वो साहिल भैया को बताइए वाली बात, तो साहिल भैया को बस। अंकल फोन आपका उठा लो, फिर आप बोलोगे घूम गया, ये ले लो फोन आपका। भैया वो फोन मेरा नहीं है, फिर और किसी का है। किसका है भाई? अंकल जी आज के ब्लॉग में इतना रहस्य हो रहे हैं ना। अब सुनो, आज हमको जाना है अंकल देखने के लिए मस्टैंग के पब्लिक रिएक्शंस। हाँ, आपको क्या लगता है लैम्बो से अच्छे आएंगे या सेम आएंगे? लैम्बो से बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा जी, गारंटी है? गारंटी है। चलो जाके देखते हैं, क्योंकि अंकल जी मुझे लगता है इसकी ना आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, रोल बहुत ज्यादा है, तो बस चलते हैं मस्टैंग के अंदर। पंप पे तो हम आगे थे, लेकिन हमको वापस दोबारा घर जाना पड़ेगा, बिकॉज जो गोप्रो था ना वो घर भूल गए अंकल जी। अंकल जी कह रहे थे गोप्रो है ना वो यहाँ पे जाएगा विंडशील्ड पे, क्या होगा कि जो पूरे शॉट से अच्छे खासे आ जाएंगे रिएक्शंस के। हां जा रहे हैं भैया, जल्दी है। क्या लेने? चाय लेने। क्या बात है, आजकल तो भाई चैन पहन के घूम रहे हो भाई। कल ही लिया था। और बढ़िया साहब, मुलाकात हुई आज? नहीं, शाम को जाऊंगा गर्लफ्रेंड से मिलने। हां बढ़िया। गोप्रो मैं लेकर आ चुका हूँ, अभी ऊपर से देखो घर आना पड़ा था, तो अभी इसको मैं लगाता हूँ विंडशील्ड पे। इससे क्या होगा कि अंकल जी ने ऐसे याद दिला दिया कि इससे एंगल बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा, तो अब जब देखोगे ना शॉट सारे रिएक्शंस के सारे वो इसी से आएंगे। गोप्रो मैंने लगा दिया अपना, और अब हम डालते हैं रिवर्स गियर और निकलते हैं घर से बाहर। अभी तो देखो अंकल दिखा रहा है माइलेज 1.2 की दिखा रहा है, बहुत कम। देखो गाइस हमने यहाँ पे गोप्रो लगा दिया अपना, और यहाँ पे सारे आएंगे पब्लिक रिएक्शंस। भैया ट्रक वाले को क्या हो गया, ऐसे ऐसे हमें ओवरटेक मार रहा है, भैया जाने दो। तो अब हम जा रहे हैं फिलहाल तो मार्केट में, जो कि है तिलक नगर की मेन मार्केट, वहाँ पे आएंगे रिएक्शंस। और भाई ये सब लोग मैं जो चीज़ें हैं ना आप लोगों के लिए करता हूँ, वैसे तो कभी जिंदगी में ना करता मैं कि गाड़ी इतनी मार्केट में लेके जाऊँ। अब लेफ्ट में देखो रिएक्शंस आ रहे हैं, लेफ्ट में दिखाओ। चलते चलते बड़े भाई मिल गए, तो पहले उनसे भाई से फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद और चलते हैं आगे। हाँ तो मैं ये कह रहा था यार, देखो मैं आप लोगों के लिए इतने रिस्क उठाता हूँ, नहीं तो भाई अंकल जी मैं कभी ना जाता ऐसी मार्केट वगैरह में ना, वो भी ऐसी सी गाड़ी में, वैसे ही नहीं प्रेफर करता गाड़ी मार्केट में गाड़ी लेके जाना। और मैं ऐसी लेके जा रहा हूँ, तो भाई एक वीडियो पे लाइक तो बनता है यार रिएक्शंस के लिए। भाई मतलब देखो कुछ भी करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लैम्बो तक मैंने धोखे में डाली, अब मैं स्टैंड डाल रहा हूँ। मार्केट आ चुकी है, यहाँ पे अंकल देखो उतर चुके हैं, और अब देखो भाई यहाँ पे शुरू हो गए आने रिएक्शंस, तो सामने हमने देखो, अब मेरे को डर लग रहा है। अब आप गोप्रो के शॉट्स देखो, मैं चलाता हूँ गाड़ी। आज ना वेडनेसडे है, तो पूरी मार्केट एक्चुअली बंद है।
एंड ऑफ द मार्केट एंड भाई रिएक्शंस तो अमेजिंग अमेजिंग से आए। अभी एक्चुअली ना पापा मम्मा आ रहे थे जनकपुरी पे, तो मैं यहीं पर था, तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं वो मेट्रो से आ रहे थे तो मैं आपको पिक कर लूँगा। हम सारे बैठ लेंगे? सारे कौन कौन? मम्मी मैं। हाँ सारे तो बैठ जाएंगे आराम से। ओ भाई डर रहे हो? अरे क्या बातें कर रहे हैं, पागल होते हैं ना, ये दिमाग खराब होते हैं, ऐसे डरते रहते हैं। पापा तो रैंपो कभी चला ही नहीं पाएंगे दिल्ली के अंदर। मैं नहीं चलाता, इधर से लेता ना, मैं गड्ढे में डाल देता हूं। अरे शेरनी का बच्चा है, उसको डराना मत। मम्मा तेरा कैमरा बन रहा है ऑन है क्यों? यहाँ पे देखो छोटा सा ना कंपार्टमेंट है टू कीप योर स्टफ एंड ऑयल। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे चाबी ही आ पाएगी। अभी स्टारबक्स गया, वहाँ पे भाई अंकल जी को कम से कम 10-15 बंदों ने घेर लिया पूरा, घेर लिया। और उसके बाद सब क्या कह रहे हैं अंकल जी, फोटो खिंचवा। और अंकल जी आपको डायरेक्ट बॉल बोलते हैं ना, आई एम डोर बोलते हैं ना आपको बार बार, सब ना अंकल जी की मदद लेते रहते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अंकल जी और लें, मतलब जो डरता है ना अंकल जी बंदा, क्योंकि अंकल लोग सोचते हैं कि नहीं बोलना भाई, आपको जब भी अंकल मिला ना बोल दो आई एम डॉन ऐसे करके। आई एम डॉन। बाकी भाई थैंक यू सो मच, आप मेरे को जो भी लोग मिलते हो भाई, आप सब लोगों का प्यार है और अब इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और भाई जो क्लस्टर मेरे को मस्तांग का लगता है ना, मैं पता नहीं बाबरी वाली बात रिपीट करता हूँ, बट मस्तांग का जो क्लस्टर है वो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। देखो यहाँ पे लिखा है रेवोल्यूशंस पर मिनट ग्राउंड स्पीड, तो ये अमेजिंग सा है। अभी सब्जी देने जा रहे हैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर, आज होगी सब्जी शॉपिंग इन मस्तांग। चलो रातो की भी रेस है मेरे को, गाड़ी जा भी जा मेरी 5 सीरीज की। आप रेस कर रहे हो? मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज आपको। ठीक है भैया सोच लो चैलेंज। अंकल एक बार इन्होंने करा था, मैं सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं। हेलो बंदे गिन लो, गिन लिया। इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, जीतने के लिए। इस टाइम पेपर पे पहले साइन कर रहा हूं क्या? इस टाइम पेपर पे साइन, मेरे को साइन चाहिए इस टाइम पेपर पे कि आप मेरे को हराने की बात कर रहे हो। देखो मेरे को रेस करने की बात कर रहे हैं। हां अब मैं हरा हो गया, देखो जो हार जाएगा वो गाड़ी छोड़ देगा, गाड़ी छोड़ देगा, डन हो गई, डन डन हो गई। बताओ कब कल होगी रेस? 11 बजे अभी होगी, अभी अभी रेस होगी, 11 बजे अभी रेस होगी, कल होगी 11 बजे। सही बात है, 11 बजे आप होते नहीं, 1 बजे कर लेंगे। आज तो मतलब भाई खतरनाक सा दिन था, बहुत ज़्यादा मैं थक गया। और आप लोगों ने मेरा पूरा आज का व्लॉग देखा फोर्ड मस्टैंग के पब्लिक रिएक्शंस के बारे में, कैसा लगा बताना कमेंट्स में। और ख़त्म करता हूँ अपने आज के व्लॉग को यहीं पे, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय। बहुत जल्दी ना एक लाइन सर्च करने वाले हैं हम अपने चैनल पे। हां जी हां भाई, डीलिंग एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने, गाने लेते रह गए फीलिंग।